क्या वो हमें जैसे क्यों बैठाया तो यार क्या बात हो गई यार। अपन ने इतनी महंगी गाड़ी ली है लेकिन इसमें YouTube ही नहीं चलता। YouTube नहीं चलता, वीडियो देखनी रहती है मुझे। अच्छा वीडियो देखनी रहती है और YouTube चलता नहीं, इसके साथ डिफॉल्ट मिलता ही नहीं अपने को यार। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है यार। चल ठीक है, तेरे लिए मैं एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, तुझे बताता हूँ आज कि अपनी गाड़ी में वीडियो चल सकती है YouTube कैसे। बस वही तो, बस गाइस अगर आपके साथ भी यही सारा इशू है, आपके घर में बच्चे या बड़े जो भी हैं या आप खुद जो गाड़ी ऑन कर रहे हो या चला रहे हो, उन सबके साथ ये इशू है। वो सोचते हैं कि यार YouTube चलना चाहिए था, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता, या हम इसको वायरलेस कनेक्ट करने के बाद भी हमारा फ़ोन में जो YouTube आता है वो इसके अंदर शो नहीं होता। हम कस्टमाइज़ में जाकर उसको ऐड भी करते हैं, जैसे कि ये कस्टमाइज़ है, इसमें जाकर हम इसको ऐड भी करते हैं, फिर भी ये ऐड नहीं होता। तो इसका आज कुछ एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इसका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ अभी फ़िलहाल एंड्रॉयड ऑटो के साथ ही है। एप्पल कारप्ले में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, तो उसमें वो डाउनलोड नहीं हो पाती चीज़। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को अपना फ़ोन जो है एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, उसको आप जो है कनेक्ट कर लीजिए वायरलेसली, जैसे कि हम लोग यूज़ कनेक्ट करते हैं। और सिंपली एक चीज़ है, मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा उसको क्या किस चीज़ को आपको डाउनलोड करना है। तो AD Plus APK आता है इसके अंदर। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको लिख कर बता दूंगा, सब अच्छे से आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ डाउनलोड कर रखी है। तो AAD.APK के अंदर आप जब जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर जाने के बाद आपको ना एक कार्स्टीम करके मिलेगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको है ना एक साइड में चला के भी दिखा दूँगा किस तरीके से वो डाउनलोड हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्ड करके। तो वो चीज़ थोड़ा सा देखकर उससे गाइड होकर वो चीज़ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लेंगे ना, और जब फिर अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे, तो जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यूट्यूब का जो है कार्स्टीम वाला पार्ट मिल जाता है। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ऐसे कुछ YouTube इसके अंदर जो है ओपन हो जाएगा। और फाइनली गाइज ये ओपन हो चुका है, और इसके अंदर जो भी है हम जो भी सर्च करेंगे वो चल जाएगा। तो हम चलाते हैं अपनी ही वीडियो। तो सर्च जो है, सर्च का ऑप्शन आई थिंक कहाँ से आएगा इसके सर्च का ऑप्शन, वो देखते हैं अपन, क्योंकि अगर कोई दूसरी वीडियो चलाते हैं ना तो वो कॉपीराइट के इश्यूज़ हो जाते हैं गाइज। तो गाइज़ यहाँ से इसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, होम, बैक, वॉइस कमांड का। और ये जो एक ऑप्शन दिख रहा है ना अपने को, जिसके अंदर ये प्ले वाला साइन बना हुआ है यूट्यूब वाला, तो इसके ऊपर आप टैप कीजिए। इस पर जब आप टैप करते हैं तो आपको यहाँ सर्च बार मिल जाता है। सर्च बार पे आप सिंपली जो भी अपना नाम आपको सर्च करना है ना, जैसे कि मुकर्रम के राज GA। तो गाइस फाइनली यार आपके सामने है ये, और हम हमारी वीडियो चलाते हैं कोई भी, हाँ ये वाली वीडियो चलाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली यार, तो इसके अंदर जो इस तरीके से हम अपनी YouTube को जो है चला सकते हैं। और तो भाई कैसा लग रहा है ये देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो तेरी चीज़ जो थी वो तुझे मिल गई ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरी सारी वीडियोज़ के अंदर देख सकता है। तो गाइज़ यही कुछ था आज की वीडियो में, ये चीज़ों को काफ़ी लोगों को जानना होता है कि यार कैसे YouTube को जो है हम अपने इंफोटेनमेंट के अंदर जो स्क्रीन के अंदर चला सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए सॉल्यूशन था। तो फटाफट से जाइए और अपनी अपनी गाड़ी में जाके इस चीज़ को डाउनलोड कीजिए और आराम से YouTube के जो है वो मज़े लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में भाई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो गाइज़ प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी तरीके से आपके लिए नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है हम लाते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।